गुलबर्गे में ऐसे एमएलए थे मोहम्मद अली साहब, सिगरेट डब्बी पे अगर लिख देते तो केआरटीसी में नौकरी मिलती थी ना। ऐसा आने वाले दिन में ना हो कि यहाँ से सीट चली जाए, वो बेंगलुरु में शिफ्ट हो जाए। राम राम जपना पराया माल अपना, ये सियासत बंद कीजिए, अवाम को कायद का नाम का बेनिफिट कराइए। जो शहर गुलबर्गा में 26 जनवरी के मौके पर हफ्त गुम्बज पर अवाम के पैसों के टैक्स से बनाई हुई रोड और अवाम के टैक्स के बनाए हुए पोल के ऊपर 26 जनवरी को जो तिरंगा लहराया गया, वहाँ तक बात सही थी क्योंकि गुलबर्गा शहर का सबसे बड़ा तिरंगा वहाँ पर लहराया गया। मैं मुबारकबाद देता हूँ तिरंगा लहराने वालों को। उसके बाद फ्री के मशवरों से मौलाना अबू कलाम आज़ाद के नाम को हटाकर मरहूम खमरुल इस्लाम साहब का नाम को पेश किया गया। इस बात का जिलानाबाद अवामी इत्तेहाद कंडम करता है, इसलिए कंडम करता है कि मौलाना अबू कलाम आज़ाद एक इंटरनेशनल हस्ती है, क्योंकि देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान मुसलमानों का कोई लीडर थे तो मौलाना अबू कलाम आज़ाद थे। मरहूम खमरुल इस्लाम साहब की भी ख्वाहिश थी कि उनके नाम का हफ्त गुम्बज पर एक चौक बनाया जाए। मुफ्त के मशवरों से एक सियासी गलियों के अंदर एक सरगर्मी को पैदा करना, कायद के नाम को रखना, एक सियासी हलचल को पैदा करना, अपोजिशन लीडरों को खमरुल इस्लाम साहब का नाम को दोहराना, सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टैंड किया गया है। मैं शहर गुलबर्गा के अवाम की तकलीफ को 9 एमएलए और खमरुल इस्लाम साहब की फैमिली के सामने रखना चाहता हूँ। खमरुल इस्लाम साहब के नाम को अगर हमको बाकी रखना है, क्योंकि शहर गुलबर्गा की अवाम 40 साल क़यादत दी है, वो 40 साल की क़यादत को एक सियासी लीडर थे, उस सियासी लीडर के नाम को अगर बाकी रखना है तो मैं आप लोगों से एक अपील और गुजारिश करता हूँ उस फैमिली से कि कोरोना जैसी महाबीमारी में कई तंजीमें और कई सोशल वर्कर ऑटो को एम्बुलेंस बनाकर शहर गुलबर्गा में मरीज को हॉस्पिटल तक पहुँचाए। अगर आपको उस नाम को बाकी रखना है तो उनके नाम से 4 एम्बुलेंस गाड़ी रखिए शहर गुलबर्गा में, अवाम को फ़ायदा होगा। अगर उस नाम को बाकी रखना है तो आज हमारे ज़हीफ लोग ठंड ओंदे बरसात ओंदे कड़कती धूप के अंदर बाहर गरीब लोग सो रहे हैं, उनके नाम से एक अनाथ आश्रम बनाइए। अगर उनके नाम को बाकी रखना है तो ऐसा फ्री का मदरसा और स्कूल बनाइए, वहाँ पर गरीब पढ़कर आगे तरक्की करे, स्कूल खोलिए जो आज ट्रस्ट के नाम पर स्कूल है लेकिन फीस ली जाती है। अगर उनके नाम को चर्चे में उनके नाम को अगर बाकी रखना है तो कई टेलरिंग सेंटर खवातीन को खोलिए, क्योंकि हमारे खवातीन संघ के पैसे लेकर सूत में मुतला है। अगर टेलरिंग सेंटर कायद के नाम पर खोला जाएगा तो वहाँ से रोज़गार होगा और वो खर्चा फिरने में कुछ तक कुछ काम आएगा। कायद के नाम से लंगर खाना चलाइए, एक कुंटल रोज नहीं पका सकते तो 25 किलो पका कर गरीबों में तकसीम कीजिए पैकेट बनाकर, तो ये नाम बाकी रहेगा। फ्री में नाम को बाकी रखने की सियासत बंद कर दिए। राम राम जपना पराया माल अपना। अगर उनके नाम को बाकी रखना है, उनके नाम को अगर चर्चे में रखना है तो आप लोग अवाम के मसाइल के ऊपर काम कीजिए, ना कि अवाम के दिए हुए पैसे टैक्स के ऊपर उनका नाम मत लगाइए। और एक बात, सियासी लीडर थे हमारे कायद, सियासी लीडर के नाम को हमेशा बाकी रखना ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर
उनका जन्मदिन मनाया जा रहा, तो केक मत काटिए मेरे भाइयों। उनके जन्मदिन के मौके पर 10 लड़कियों की इज्तिमाई शादी कीजिए, अवाम को फायदा होगा, क्योंकि अवाम ने 40 साल तक और 45 साल तक इख्तदार दिया है उनको, तो अवाम को उनके नाम से फायदा होना चाहिए। दुनिया से हर कोई रुखसत होना जरूर जाना तो है ही है, वो जो रुखसत होते हैं जो कमाई हुई दौलत को जो साहब जारिया में अगर खर्च करेंगे तो महरूम को सवाब मिलेगा, ये सोचना चाहिए हम लोगों को। हमको अगर खालिद के नाम पर खाली चौरस्ते का नाम देंगे तो भूखे को खाना नहीं मिलेगा, लंगे को कपड़ा नहीं मिलेगा, तो गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर और गुलबर्गा शहर के अंदर एक ऐसा कारनामा कीजिए, महदूत नाम को मत रखिए। अगर ये पॉलिसी को जिलानाबाद अवामी इत्तेहाद खमरुस्सलाम साहब मैडम और उनकी फैमिली को ये इंटीमेशन देना चाहती है, खायद के नाम को महदूद ना कीजिए, अवाम के मसाइल पे काम कीजिए। ज़रूरी है, अवाम जब 40 साल इख्तदार दी है तो अवाम को उनके नाम से फ़ायदा भी होना चाहिए। और मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूँ, 2023 के इलेक्शन में अगर टिकट जेंट्स को देती है, अगर मर्द को टिकट देती है, तो गुलबर्गे में बीजेपी को नॉर्थ से हरा सकते हैं, न तो वरना नहीं हरा सकते। ये सियासत और सियासती हेर पेच कर नाम को बाकी रखने का काम बंद कीजिए, अवाम को